हेलो दोस्तों, और आज हम जा रहे हैं मटर लगाने अपने गांव से। तो ये है हमारी सिलाई छानी पानों वालों की। दोस्तों गुड मॉर्निंग, और आज हम आ रखे हैं खेतों में मटर लगाने, और मैं आपको दिखाऊंगा जो शरद ऋतु में मटर बोए जाते हैं कैसे बोए जाते हैं। पहले मटरों को अगले दिन भिगाना पड़ता है, उसके बाद लगाए जाते हैं। जो ये मटर है आजकल गांव में, ये देखिए यहाँ गागली बची हुई है। गागली और अदरक निकालने के बाद खेतों में जो है मटर लगाए जाते हैं आजकल शरद ऋतु में। मैं आपको मटर लगाने का प्रोसेस दिखाऊंगा। ये देखिए बड़ा खेत है हमारा, और इसमें आ जाए मटर लगाने। ये है पाड़ी हल, ये देख सकते हैं आप, ये लोहे का है। पहले जो ये हल हुआ करता था, ये पहले लकड़ी का हुआ करता था और आगे का लोहे का होता था। और जो ये आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं नसुआ, आगे वाला लोहे का है। और जो ये देख रहे हैं आप, ये है बाइठा, जिसको पकड़ने के काम आता है। आप देख सकते हैं इसको ऐसे उठाया जाता है यहाँ से पकड़ने के लिए, ये देख सकते हैं आप। और जो ये आप देख रहे हैं, ये है हाइश, इसे बोलते हैं हाइश। ये अच्छी लकड़ी की बनाई जाती है, जिससे कि खराब ना हो। और आजकल ये जो है नट बोल्ट वाला सीन आ गया है, चाबी से टाइट और ढीला किया जा सकता है। दोस्तों जो ये आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं मोई, ये मोई है। और इस पे आप देख सकते हैं पकड़ने के लिए एक डंडा दिया है, इसे बाइठा बोलते हैं। और इस पे भी एक हाइश लगाई गई है, जो बैलों के लिए जोड़ने के काम आती है। और दोस्त और इसको बोलते हैं शमाई, जो ये बैलों के कंधे पर लगी है। एक अच्छी लकड़ी की बनाई जाती है, जो टूटे ना। और ये है शमाइटिया, और ये यहाँ से इस पे एक डोरी दी जाती है, जिससे वो बल्ले बैलों के गले में बांधी जाती है। और जो ये आप ये देख रही है नाड़ा, इस पे जो है हल बांधते हैं, हल बांधने के काम आता है। और ये हमारे हीरा मूर्ति है, ये देखिए। तो ये है मटर, और हम अब लगाएंगे खेतों में मटर। आप देख सकते हैं कैसे लगाए जाते हैं मटर।
दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं ये है मोई। इसे जो है खेतों को जो है प्लेन किया जाता है जिससे कि खेतों में जो है नमी बनी रहे। अभी हम ले जा रहे हैं अपने हीरा मोती को पानी के लिए। और आप ये देख सकते हैं बांस का बहुत ऊंचा पेड़ है और ये हीरा मोती है। ये बहुत हरामी बैल है हमारा, इसको बांध के ले जाना पड़ता है और ना ये भाग जाता है। ये देख सकते हैं आप हमारे सिलाए छानी में जहाँ पानी पिलाने के लिए लाते हैं बैलों। हम आपको दिखाएंगे सकते हैं आप। ये है पानी के लिए बैलों के लिए जो बनाई गई है हौज। और ये हमारे गांव में जो है स्रोत का पानी है, यहाँ पे कभी भी पानी नहीं सूखता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्रोत का पानी आ रहा है। ये हमारे सिलाई छाननी में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और ये आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी हौज है, तालाब टाइप का है जिसमें भैंसों को बैलों को नहलाया जाता है। तालाब दिख रहे हैं ये वाले, इसमें हम जो है गेहूँ जाटे होते हैं उसमें जो है गाठे जो होते हैं उसको इसमें डाला जाता है, फिर उसके गाठे बनते हैं जो गेहूँ होती है। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है यहाँ पे। और एक बैल ने सुबह घर पे पानी पिया था इसलिए नहीं पी रहा है। पानी पिएगा आजा, पानी पानी का मन नहीं कर रहा है पानी पीने का, इसने सुबह पी लिया था गाँव में। आजा पी ले पानी, नहीं पी रहा है। और हम चलते हैं अब दूसरे खेत में। देखिए हम आपको दिखाते हैं ऐसे ऐसे खाया जाता है खेतों में खाना खाने। और इसमें आप देख सकते हैं आलू और गोभी की सब्जी और रोटियां। कहाँ भाई रोटियां नहीं खाओ, ये है रोटियां। और ये गागली, हमने आज गागली पकाई है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और ये हमारी रोटी और ये हमारा मट्ठा। तो ये देखिए हमने ला रखा है आच्छू, जिसे बोलते हैं चकोतरा। और आज हम बनाएंगे खेतों में इसको। और आप देख सकते हैं इसको पहले छीलना पड़ेगा, इसके बाद हमने इसमें ला रखा है। इसमें क्या है, इसमें है गुड़ और नमक। और हम दिखाते हैं ये इसकी गागली, जो गागली होती है इसको कैसे खाया जाता है। इसको ऐसे छिला जाता है, ये देख सकते हैं आप। तो इसका व्हाइट वाला पोर्शन है ये वाला खाया जाता है। हाँ हाँ आता है। छोटे को दिखाई जरा इसकी पूछा, देखिए छोटे छोटे संतरे की तरह इसके पीस रहते हैं। वाह कतई लाल लाल है, इसको हम गुड़ लगाएंगे और नमक लगाएंगे, बहुत टेस्टी होता है। मैं आपको खा के बताता हूँ। हाँ हाँ